वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ शुभम है। शुभम 24 साल का है और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो में आज हम ये बताएंगे स्लिप डिस्क क्या होती है और स्लिप डिस्क से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कई बार स्लिप डिस्क शाटिका को हम कैसे दूसरे पेन्स की वजह से डायग्नोज नहीं कर पाते। जैसे कि शिवम, मेरे पास मैं आज फर्स्ट टाइम आया है और ये MRI लेके आया है जिसमें क्लियरली शो हो रहा है कि L4-L5 में उसकी पूरी डिस्क बाहर निकली हुई है। तो शुभम, पहले आप बता दो कि कितने दिन से दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है। पहले मेरे को 3 साल पहले स्लिप डिस्क हुई थी, फिर मेरे को पेन में रिलीफ हो गया। अब मेरे को मतलब लास्ट 15 डेज से बहुत ज़्यादा पेन था राइट लेग में और लोअर बैक के अंदर, तो इसलिए मैं सर के पास आया हूँ। और वो जो एंकल में पेन था, काफ में था, वो रेडिएट करता था, एक टू बटक टू लेग के एंकल तक पेन रेडिएट करता था, लोअर बैक से निकलता था बहुत ज्यादा। तो आप जब मैंने इससे इसका SLR टेस्ट किया टांग उठाने के साथ में, तो पता चला इसका SLR बिल्कुल नेगेटिव है। टांग में कोई भी शाटिका जैसे सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि शाटिका जब भी इरिटेट होती है या स्वेलिंग आती है तो टांग की स्ट्रेंथ कम कर देती है, और जब भी हम टांग को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और मैं डॉक्टर या एग्जामिनर उसको नीचे दबाने की कोशिश करता है तो पेन बढ़ता है और टांग पेशेंट पूरी तरह से ऊपर उठा नहीं पाता। तो SLR टेस्ट इसका बिल्कुल नेगेटिव था, यानी कि इसको कोई भी दर्द नहीं बढ़ रहा था, यानी इसको शाटिका नहीं था। बट इसके सिम्टम्स जैसे कि ये बता ही रहा है कि कमर से लेके काफ तक जा रहे थे, तो एक और चांस हम लेना चाहते थे कि देखना चाहते थे कि और क्या हो सकता है। तो जब हमने इसका फुट असेसमेंट किया तो हमें ये चीज़ पता चली कि ये हाई आर्च है, और जैसे कि आपने कई वीडियोस में देखा भी है, हमने बताया भी है कि हाई आर्च वालों के साथ भी सेम सिमिलर प्रॉब्लम होती है। और एक और कंडीशन होती है पायरीफॉर्मिस, जिसको हम फेक शाटिका भी बोलते हैं, वो भी कई बार शाटिका के साथ या शाटिका जैसे सिम्टम्स देती है। तो हाई आर्च की वजह से हमने जब जैसे एग्जामिन किया, इसका जो प्रोनेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डेविएट हो रहा था चलते समय, वही इसके साइन एंड सिम्टम्स थे जहाँ पे इसका सारा ज़्यादातर पेन था। राइट शिवम? Yes. है ना? और शिवम, और क्या क्या और ट्रीटमेंट ले चुके हो, कितना रिलीफ मिला है और क्या नहीं? मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, टेंस मशीन अप्लाई होती है, हीटिंग पैड अप्लाई होता है, तो उससे थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, पर फिर बाद में दोबारा वही सेम पेन आ जाता है। तुम्हें चलते समय ज़्यादा दिक्कत होती है, बैठते समय होती है क्या? चलते समय भी दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। बैठने में आराम मिलता है? बैठने में जो मतलब अगर चेयर पे सिटिंग हो तो थोड़ी देर रिलीफ रहता है, लेकिन जब सिटिंग के बाद दोबारा बंदा चलने के लिए उठता है तो फिर दोबारा पेन होता है। बट कहीं पर भी बैठ के पाँव ऊपर करके बैठते हो तो आराम मिलता है? हाँ, अगर लेग ऊपर करके बैठते हैं तो फिर उसमें आराम रहता है। तो यही सारे सिम्टम्स हमें हाई आर्च या उन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, मैकेनिकली इम्बैलेंस होते हैं। जैसे आप पाँव ऊपर उठा के रखते हो, उनका सारा दर्द कम हो जाता है सपोर्ट मिलने की वजह से, और क्योंकि ये हिप को और लोअर बैक पे भी प्रेशर डालता है हाई आर्च में। आप लोग सब जानते होंगे कि सारे जॉइंट्स में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप एथलीट्स में ACL, यू नो, शाटिका, स्लिप डिस्क, इस तरह की इंजरीज काफ़ी ज़्यादा देखते हो। तो जब भी आप में से किसी को शाटिका हो तो प्लीज़ अपना फुट असेसमेंट कराना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपकी भी प्रॉब्लम शाटिका की बार बार आती है और उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने पाँव की जांच करा के ये भी देखें कि कहीं पाँव की वजह से तो सारी दिक्कत नहीं है। अब मैं शुभम का एडजस्टमेंट करूँगा और लेटूंगा। इजी इजी, नाइस, टर्न करो मेरी तरफ, साइड से करो, नीचे वाला पैर सीधा, इसको मोड़ लेंगे, सर नीचे, रिलैक्स, इजी, ब्रीद आउट करो, उस तरह, छोड़ो,
व्यूअर्स, आप में से भी किसी को शाटिका या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप जानते हो कोई भी जिसका काफी टाइम से परेशान हो, जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा, आप एक्टिव प्लस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम देखते हैं शुभम कितनी जल्दी अब बेटर होता है। मुझे कोई सेकंड थॉट नहीं है कि शुभम अगले कुछ दिनों में जैसे ही इंसोल पहनना चालू करेगा, 4 से 6 हफ्ते में इसका सारा कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछना ना भूलें। थैंक यू।